हाँ चले सर। हाँ, द स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास इंग्लिश, ध्यान से अपने कोर्स की फर्स्ट पोएम को देखें, समझें। द फाउंटेन, ये पहली कविता है आपके कोर्स में। जेम्स रसेल लावेल महोदय ने फवारा नामक शीर्षक दिया है, जिसको अंग्रेजी में द फाउंटेन उन्होंने संज्ञा दी है। प्रिय बच्चों, जेम्स रसेल लोवेल का जन्म 1819 में और मृत्यु 1891 में हुई। आप एक अमेरिकी कवि रहे हैं और राजनीति के क्षेत्र में भी आपका ज्ञान सराहनीय है। फवारे के माध्यम से कवि हमें हमेशा ऊपर उठने का संदेश देता है। वो कैसा है? जिस प्रकार से फवारा अविरल चलता रहता है, उसी प्रकार से हमें भी बगैर थकान महसूस किए हुए अविरल उन्नति के लिए प्रयास में लगे रहना चाहिए। इन टू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। फवारा जो है सूरज की रोशनी में अर्थात धूप में फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से परिपूर्ण दिखाई देता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, फवारा ऊपर उछलता हुआ दिखाई देता है। लीपिंग मीन्स उछलता हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग उछलता हुआ चमकता हुआ फवारा जो है दिखाई देता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक ये फवारे की प्रतिक्रिया होती है। इनटू द मून लाइट, और चंद्रिका में चाँद की रोशनी में व्हाइटर देन स्नो, फवारा जो है वो बर्फ से भी अधिक उज्ज्वल दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और फूल की भांत जो है हिलता डुलता दिखाई देता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं तो फवारा हिलता डुलता प्रतीत होता है। इनटू द स्टार लाइट, और तारों के प्रकाश में रसिंग इन स्प्रे, फवारा जो है फुहारदार ढंग से जो है आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हैप्पी एट मिडनाइट, और मध्य रात्रि जब आ जाती है तो फवारा बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देता है। हैप्पी बाय डे, और दिन भर जो है वो प्रसन्नता युक्त वातावरण में रहता है। एवर इन मोशन, फवारा जो है सदैव गतिशील रहता है। एवर मीन्स गतिशील, मोशन मीन्स, एवर मीन्स सदैव और मोशन मीन्स गतिशील। ब्लाइसम एंड चीरी, फवारा जो है ब्लाइसम खुशी से भरपूर दिखाई देता है, एंड चीरी और खुश मिजाज दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग हीवन वार्ड, फिर हमेशा वो जो है क्लाइंबिंग चढ़ता हुआ ऊपर बढ़ता हुआ। हीवन वार्ड, हीवन वार्ड माने आकाश मंडल की ओर आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। नेवर एवेरी, और कभी थकान महसूस नहीं करता है। प्रिय बच्चों, फवारे के माध्यम से कवि ने हमें एक संदेश दिया है कि हमें जो है अथक प्रयत्न करते हुए प्रगति के सोपान की ओर बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम आप अपना जीवन ढालेंगे तो निश्चित ही सफलता हमारा कदम चूमेगी। आज यहीं तक, शेष बातें अगले समय।